राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। बता दें कि आज से रविशंकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारी संगठन द्वारा फिर से मांग पत्र तैयार किया गया है। इनकी मुख्य मांग 7वें वेतनमान के 4थे किस्त की एरियर्स की भुगतान करना है। कर्मचारी कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। वहीं परीक्षा के समय हड़ताल से यूनिवर्सिटी का काम काज ठप हो सकता है। कर्मचारी इससे पहले भी हड़ताल कर चुके हैं। बता दें, राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। आज से रविशंकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारी संगठन द्वारा फिर से मांग पत्र तैयार किया गया है। इनकी मुख्य मांग 7वें वेतनमान के 4थे किस्त की एरियर्स की भुगतान करना है। वहीं कर्मचारी कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। वहीं परीक्षा के समय हड़ताल से यूनिवर्सिटी का काम काज ठप हो सकता है। कर्मचारी इससे पहले भी हड़ताल कर चुके हैं। मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा 7वें वेतनमान के 4थे किस्त के एरियर्स, रिटायरमेंट कर्मचारियों के एरियर्स, अनुकंपा नियुक्ति, लेब अटेंडेंट से लैब टेक्नीशियन की मांग, वाहन भत्ता की मांग इसमें शामिल है, और एक सूत्री मांग के लिए हमने राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय जी से अनुरोध किए हैं। यदि वो मांग पूरी हो जाती है, कार्य परिषद में एक सदस्य बनाया जाए। अगर ये मांग पूरी जाती है तो विश्वविद्यालय के सारे हमारे कर्मचारियों की मांगों हैं, मांगों को हम लोग यहाँ पूरा करने के लिए सक्षम हैं। रमण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष कर्मचारी संघ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर।